नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दर्शकों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारे कृषि उद्योगों पर ही निर्भर करता है। बावजूद इसके देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दयनीय स्थिति में जीवन जीने पर विवश है। क्यों हुई है किसानों की ये दुर्दशा? क्यों कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा है देश का किसान? क्या अब मिल पाएगी किसानों को कर्ज से मुक्ति? आज हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी पर पेश है हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। जो किसान देश की आवाम का पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाता है और खुद उसे भूखे पेट सोना पड़े, तो उसे आप क्या कहेंगे? जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर करता हो, अगर उस देश के किसानों को कर्ज के बोझ के कारण खुदकुशी तक करने पर मजबूर होना पड़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या होगा? बावजूद इसके हमारी सरकारें देश के किसानों की दशा सुधारने में लगातार नाकाम हो रही हैं। हालांकि मोदी सरकार इस साल के अपने बजट को किसानों का बजट बता रही है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस बजट से वाकई बदल पाएंगे किसानों के हालात, या फिर यूं ही कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा देश का किसान? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विशेष चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुष्यंत कुमार शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गोयल साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और किसान नेता दुष्यंत नागर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो चलिए, अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, अगर उसी देश में किसान को गरीबी और भूखमरी के कारण खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और क्या होगा? जो किसान देश की आवाम का पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाए और खुद उसे भूखे पेट सोना पड़े, तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हां, आज यही हालत है हमारे देश के किसानों की। मगर जनता के नुमाइंदे हैं कि अपना ही पेट भरने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दयनीय स्थिति में जीवन जीने वाले किसान अपना दुखड़ा सुनाए तो किसे सुनाए? वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का आगाज करके देश की आवाम को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया है, और अब मोदी सरकार ने इस बार के अपने बजट में किसानों पर विशेष ध्यान भी दिया है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल खोल कर रहे हैं। इस बजट के लिए हमारे वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। वैसे तो देश के किसानों की दशा सुधारने के दावे
सभी सरकारें करती हैं और अनेक योजनाएं भी बनाती हैं, लेकिन आजादी के बाद से ही हमारी सरकारें किसानों के प्रति कितनी गंभीर हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। संसद, सड़क और मंच पर आकर सभी नेता किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ किसानों की बात ही करती रही। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, किसान की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखना, जो हमने आपकी जमीन के लिए किया वो हम किस मजदूर के लिए करेंगे, एमएसपी के लिए करेंगे, जो गन्ना किसान के सामने मुश्किलें हैं उसके लिए करेंगे। हिंदुस्तान को आप बनाते हो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर हो और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि उद्योगों पर टिका हो, अगर उस देश में किसानों की दुर्दशा होती है तो ये चिंता और चिंतन का विषय है। देश में किसानों की दुर्दशा का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक के लगभग 50% से ज्यादा किसान आज कर्ज में डूबे हुए हैं और 1995 से लेकर 2014 तक किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 3 लाख पार कर चुका है। गौरतलब है कि किसानों की आत्महत्या की मुख्य वजह किसानों के ऊपर कर्ज का बढ़ता बोझ और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता का अभाव है। लेकिन मोदी सरकार के इस बजट में किसानों का कोई ऋण माफ नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में वाकई किसानों की आमदनी में इतना इजाफा हो जाएगा कि उनका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा, या फिर वो यूं ही बढ़ती भूख के चलते आत्महत्या करने को मजबूर होता रहेगा। और अगर अब भी किसानों के हालात नहीं सुधरे तो विश्व भर में कृषि प्रधान देश की छवि वाले भारत की साख पर तो दाग लगेगा ही, साथ ही इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्वधर्म संगम चैनल। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। जी हाँ, देश की धरती तो सोना हीरे मोती उगलती है, लेकिन व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बेचारा किसान तो पहले भी मुश्किल में था और आज भी मुश्किल में है। दिन रात खेतों में पसीना बहाने के बावजूद भी किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने में नाकाम हो रहा है। स्थिति यह है कि देश के ज्यादातर किसान कर्जे में डूबे हुए। आखिर कौन है किसानों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार? क्यों खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं किसान? क्या मोदी सरकार के इस बजट से वाकई बदल पाएंगे किसानों के हालात? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हमारे टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर आप भी दे सकते हैं अपनी बेबाक राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले अशोक गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सरकार आपकी है। आपको लगता है कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है, किसानों को विशेष तौर पर ख्याल तो रखा गया है बजट में, लेकिन क्या वाकई किसानों की जो मुश्किल है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से किसान की जो हालात हैं और बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। किसान देश के लिए एक ऐसा अन्नदाता के रूप में है जिसे सारे देश को भोजन मिलता है और उसकी दयनीय हालत वास्तव में चिंताजनक है। वित्तीय साधनों की अभाव को देखते हुए भी सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से, किसी भी प्रकार से जो आवास के लिए भी एक ऋण देने की व्यवस्था थी कि भी 50,000 रुपये की थी उसको भी 1.5 लाख रुपये करने का प्रयास किया गया। किसान का एक जैसे भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सकता है,
किसान को जिस तरीके से भी लाभ पहुंचा सकते उसकी चेष्टा हुई है। फसल बीमा योजना जो पहले भी एक विषय था कि लागू रहनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, उसको लागू करके कहीं ना कहीं उसको जोड़ा गया है कि अगर ओलावृष्टि से खेत कहीं नष्ट होता है तो उसको फसल बीमा के अंतर्गत खेत को इकाई मानकर उसकी चिंता करके उसको जो लाभ दिया जाएगा और किसान के होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने हैं। किसान को अपनी फसल का दाम कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, जो लागत बढ़ी है उसके हिसाब से अभी दाम नहीं है, तो उसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट आई है स्वामीनाथन आयोग की, उस पर भी काम होना बाकी है। और बहुत सारी चीज़ें इस बजट में कोशिश की गई है कि भाई गांव-गांव तक बिजली पहुंचे, गांव-गांव तक जो है किसान का स्तर में सुधार हो, पक्के आवास बने, शौचालय बने स्कूलों में, स्कूल की व्यवस्थाओं में, बहुत सारी चिंताएं की गई हैं। और उसके बावजूद भी बहुत सारी जो आगे चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार हमारी दृढ़ प्रतिज्ञ है इस बात के लिए कि गाँव, गरीब और किसान के हालात देश के अंदर वास्तव में जिस तरीके से सुधारे जाने चाहिए थे अभी तक उसमें काम करने में कहीं ना कहीं कमी रही है। और उसको योजनाएं तो अच्छी आई हैं लेकिन योजनाओं का पैसा कैसे कहां सही ढंग से लगना चाहिए, पारदर्शी ढंग से, जैसे मनरेगा है, हमने उसमें भी 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। पुरानी योजना थी, बड़ी अच्छी योजना थी, कांग्रेस के समय की थी, उसमें भी हमने कोशिश की है कि भूमिहीन लोगों के लिए जो योजना है। सर मोदी साहब ने उसको मजाक भी बताया था। नहीं वो ठीक बात है लेकिन बजट में जो व्यवस्था की आप उसको देखिए। नहीं व्यवस्था बजट में, एक बार उसी का मजाक आपको लगता है मजाक इसलिए पॉजिटिव वे में लीजिए, मजाक इसलिए उड़ाया था, लगा उन्होंने मजाक उड़ाया जो भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है, ठीक है, चेक किया तो उसमें बढ़ा दिया। हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार के अंदर ना जाए और उसके अंदर कहीं लगे पारदर्शी ढंग से, तो 38,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में मनरेगा के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको समझा जा सकता है। ठीक है ठीक है, समझूंगा आपसे, फिर से आपके पास लौटूंगा। लेकिन दुष्यंत कुमार शर्मा जी, 1995 से लेकर 2014 तक 3 लाख के पार पहुंच चुका है ऐसे किसानों का आंकड़ा जो कि आत्महत्या कर चुके हैं। लंबे वक्त तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमेशा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और वो हमेशा किसानों की बात तो करते हैं लेकिन पार्टी को कभी उस वक्त सुध नहीं आई कि किस तरह से किसानों के हालात खराब हो रहे हैं उनको बदला जाए। देखिए जो बात आप कह रहे हैं, आप 95 और 2014 के बीच की आप बात कर रहे हैं और आपका विषय भी यही है कि किसानों की जो वर्तमान बजट आया है वो उसकी सिमिलरिटीज और उसकी पॉजिटिविटी पिछली सरकारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं, उसी बात को लेके आपने विषय अपना रखा। नहीं नहीं, मेरा कहना यह नहीं है कि पिछली सरकार नहीं कर पाई है, सरकार कर रही है, मेरा सिर्फ कहना यह है साहब आपसे जो सवाल कर रहा हूं मैं कि 1995 से लेकर 2014 तक के अगर वक्त में देखा जाए तो लंबे वक्त तक कांग्रेस का शासन रहा है, इस बात को मानते हैं आप? नहीं बिल्कुल, पूरे देश में क्या नाम, आप खाली यही टाइम क्यों लेते हैं, पूरा अगर टेन्योर देखें आजादी के बाद। मेरे पास जो रिसर्च टीम ने जो आंकड़े निकाले मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। मैं भी मैं आपकी बात से सहमत हूं। 2014 तक 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं सत्येंद्र भाटी जी आपके बाद आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, आप मुझे थोड़ा मौका तो दें कहने को। जरूर, मैं आपसे जो आपका सवाल है मैं उस सवाल से सहमत हूँ कि आप जिस टीम की बात करें, जिस टीम ने आपको ये सुझाव दिए होंगे या जिसने डाटास दिए होंगे तो उन्होंने शोध करके दिए होंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे, इसी देश में हरित क्रांति भी हुई है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश में कुछ किसान के उस पर नहीं हुआ है। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं। अभी शायद मैं चैनल के माध्यम से ही सुन रहा था या हमारे मित्र कह रहे थे, अब चर्चा में कह रहे थे कि अभी जो बजट है, जो कृषि के लिए बजट 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने कृषि के लिए दिया है, देश की आप ही लोग कह रहे हैं कि 70, मैं आपके चैनल से ही सुन रहा हूँ, वैसे 73%, लेकिन 70% पॉपुलेशन जो कृषि पे आधारित है, जो कृषि के कार्यों पे आधारित है, वो कृषि क्षेत्र पे आधारित है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए 40,000 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंट विद इन दिस ईयर ऑन द फार्मर्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, तो उसका मतलब है कि लगभग 2,370 रुपया पर किसान उसमें पैसा आता है। तो एक तो उसमें यह है कि उसको कैसे ये लोग एलोकेट करेंगे, ये कैसे ये करेंगे कि भाई कौन सा किसान है, कौन बड़ा किसान है, कौन छोटा किसान है, कौन सीमांत किसान है, और उसमें किस तरह इसको इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ठीक है, शर्मा जी लौटूंगा आपको। मुझे हरियाणा से धीरेन्द्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा सवाल पूछ रहे थे क्योंकि वो भी आप ही लोग उससे सवाल करेंगे। धीरेन्द्र बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सवाल पूछिए आप। हेलो जी, सवाल पूछे आप, सवाल पूछे। हाँ
आज ही मेरे पूछा था, तो ये बीमा योजना लागू की है तो इस तरह इसका किस तरह लाभ लिया जा सकता है? ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है जवाब लेंगे। पहले अपनी बात पूरी करें दुष्यंत कुमार शर्मा, फिर हम जवाब लेते हैं सवाल। मैं जो बीच बीच में आप फोनोज लेते हैं, इसमें मैं थोड़ी आप लोगों से अपील करूंगा कि कोशिश करें इन लोगों को आप इस तरह का मार्गदर्शन दें कि जो बोल रहे हैं उनसे अगर प्रश्न करें तो ज़्यादा बेहतर है, उस विषय पर बात करें। बिल्कुल, अगर जो हमारे अशोक गोयल साहब भी कह रहे थे कि जैसे कि फसल बीमा योजना, वो कह रहे हैं उन्होंने उनका ही कहना है, मुझे तो मालूम है सारी बात कि वो हमारी सरकारों की पहले से चलाई हुई वो है, लेकिन फिर भी देश में जो स्थिति, जो अन्नदाता है, जो किसान है, किसान की स्थिति में वो ट्रिमेंडस रिफॉर्म नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है जो मुझे समझ आता है, मेरा अपना व्यक्तिगत आधार पर, मैं भी किसान हूँ, मेरा परिवार भी किसान परिवार है, हम भी जमीन जायदाद, जमीन है हमारे पास में, खेती भी होती है, और मैंने भी खुद सारे काम खेत में किए हैं। ठीक है, आज भी मैं उसी उससे जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो ये पूरे साल का काम नहीं है, इसमें आप ये नहीं पूरे साल आप उसमें लगे रहें। दूसरा, इसमें अनलिमिटेड लेबर लगती है, यानी परिवार में जितने सदस्य हैं वो भी, जो आ जाएगा वो भी, जो आप और लेबर ले लेंगे वो सब उसमें लग जाती है। उस हिसाब से उसमें रिटर्न्स नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को इसलिए वो खलता नहीं है कि हम लोग बाहर से काम करते हैं, बाहर काम करते हैं तो वो हम जाके खेती में लगाते हैं, तो हमें उससे रिटर्न लगता है कि हमारा रिटर्न हो रहा है। और जो लोग पूरी तरह उस पर रिटर्न, पूरी तरह खेती पे ही बेस्ड हैं, उसमें एक और कारण हो गया है कि खेती डिवाइड हो गई है। पहले जिस पे बाप 50 साल पहले 50 बीघे धरती थी, तो मान लो उसके चार बच्चे हुए तो 12 बीघे कम हो गया। ठीक है, और अब वो और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। और खेती के लिए सारे साधन इकट्ठे चाहिए, यानी आपको उसको जोतने के लिए तो बैल ही चाहिए, अब आजकल बैलों का चलन नहीं है, ट्रैक्टर चाहिए। अब 2 बीघे जमीन पे या 5 बीघे जमीन पे तो ट्रैक्टर संभव नहीं है, ट्यूबवेल भी आपको चाहिए, पानी के लिए वो भी चाहिए। दूसरा, जो पिछले दिनों से जो दौर चला है, हम जो फर्टाइल बनाने के लिए लैंड को जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उससे भी थोड़ा फर्क आया है, तो उससे फर्टिलिटी तो बढ़ी लेकिन बाद में फर्टिलिटी उसकी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमने उसका मैक्सिमम यूज़ किया। तो किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें छोटे काम के लिए सारी चीज़ें जुटानी पड़ती हैं जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था थी जो चलती आ रही है देश में, जो हम लोगों के टाइम से, हमारे पैदा होने से पहले से देश में चलती आ रही है, अगर हम उसी पे थोड़ा कंसंट्रेट करें और उसको बढ़ावा दें तो हमारी खेती में जो ये प्रॉब्लम्स किसानों को आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि एक एक ट्यूबवेल एक किसान लगाएगा तो बेहतर है कि आप 100 किसान के बीच एक ट्यूबवेल लगाइए, आराम से एक ट्यूबवेल 100 बीघे की आराम से, हाँ वो पॉसिबल है। और उसी, क्योंकि उसके जो पहले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कामयाब हुए हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हमें बीज देती हैं और वो हमें खाद भी देती हैं, तो कामयाब है, किसान उससे लेता है। अब वो कर्ज की जो बात आती है, कर्ज की बात ये है कि जो बीज हैं, जो शीड्स हैं, वो शीड्स कहीं ज़्यादा महंगे हमारे होते हैं, क्योंकि हम वो प्रोसेस दूर करते हैं, दूर हम रखते हैं। अब जैसे पंतनगर है, पंतनगर में ज़्यादातर हमारा शोध का काम कृषि का होता है या पूसा में होता है। अब पूसा से पूरे देश में पहुंचाना, पंतनगर से पूरे देश में पहुंचाना, ठीक है, वो एक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और इसी वजह से उसके रेट भी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है। बलबीर सिंह पंजाब से दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर है। बलबीर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, सवाल पूछे आप। सर, जो सरकार ने स्कीमें चल रही है गरीबों के लिए, जैसे टॉयलेट वगैरह या बीमा योजना है, हाँ जी सर, तो वो गरीबों को तो पहुंच नहीं रही जो देहात में है। ठीक है, बड़े लोग ले रहे हैं जिनके लोड नहीं है, लेकिन गरीब लोग इससे वंचित रह रहे हैं। ठीक है। अशोक गोयल जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन दुष्यंत आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप भी खुद किसान आवाज उठाते रहे हैं, आप बताएं। मैं जो हमारे पहले कॉलर का और इनका जो फोन आया, पहले मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि जो हमारे पहले कॉलर ने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो उनका पटवारी है हल्के का, गांव का, उसके यहां जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपने खेत का मौका मुआयना कराएं, उसके बाद वो प्रक्रिया चालू होगी। जी, दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि जो योजनाएं हैं वो गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या आपको लगता है कि पिछली सरकार हो या आपकी सरकार, उसके लिए जिला कृषि अधिकारी प्रत्येक जिले में तैनात है, अथवा कलेक्टर को आप अपनी रिटर्न में समस्या दे सकते हैं, और परामर्श केंद्र भी हैं, कृषि परामर्श केंद्र प्रत्येक जिले में, वहां भी जाके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने होंगे, जाके अपना अधिकार मांगना होगा, दरवाजा खटखटाना होगा, घर देने कोई नहीं आता।
ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह का बजट पेश किया गया है, दिल खोलकर तारीफ कर रही है पूरी पार्टी, पूरी सरकार इस बजट की, कि किसानों का पहली बार इस बजट के दौरान ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों के लिए बजट बनाया गया तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह की ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई किसानों के हालात सुधर पाएंगे इस बजट से? देखिए, बड़ा आत्ममुग्ध होके मोदी जी सदन में बोल रहे थे। एक शेर मुझे याद है कि लखनऊ हम पे फिदा है और हम फिदाए लखनऊ हैं। तो कुछ इसी अंदाज में वो सदन में चर्चा हो रही थी और बातें की जा रही थी। सरकार घोषणाएं कर देती हैं लेकिन उसके पहले जो होना चाहिए, वर्कआउट जो होना चाहिए, वो हुआ नहीं उस तरह से। अभी खुद देश को नहीं पता है कि कौन कौन सी बीमा कंपनियां देश में कृषि बीमा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खासकर यूरोप अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो यहाँ से पैसा लूट लूट के ले जा रही हैं एक तरह से, वो कंपनियां तो आगे आने से रहें, क्योंकि उनके पता है कि किस तरह से यहाँ मानसून की स्थिति अच्छी नहीं होती है या किसान जिस तरह से आत्महत्या करते हैं। तो बीमा कंपनियां जो कॉरपोरेट से रिलेटेड बाहर की जो मल्टीनेशनल बीमा कंपनियां हैं, उन्हें डर लगता है कि हम अगर इसमें कृषि के क्षेत्र में बीमा करने जाते हैं तो हमें फायदे का रोजगार नहीं होगा, इसलिए बहुत तेजी से उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और ये तस्वीर भी साफ नहीं है कि बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं जो बाहर की इसमें आ रही हैं। अरुण जेटली ने अभी आज ही चंद घंटे पहले ही टीवी पे उनका देख रहा था कि एक कोई कॉरपोरेट का 5-स्टार होटल में कृषि पे विचार हो रहा था, उसमें 2 मंत्र दिए उन्होंने कि जो प्राइवेट जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो आए कृषि का उत्थान करने के लिए, कृषि किसानों की स्थिति और देश में फसल और अच्छी हो उसमें प्राइवेट कंपनियां जितनी आ सकती हैं आए। दूसरा, मानसून की स्थिति अगर अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब प्राइवेट कंपनियां कौन सी, वो लोग जो कि हजारों एकड़ किसानों की जमीन लेकर पूरा जिस तरह से उत्तराखंड में बाबाओं ने कब्जा कर रखा है और बाबा ही खाद्य प्रसंस्करण में आए हैं, 2 मतलब प्रमुख बाबा हैं जिन्होंने सारा कृषि उत्पाद जड़ी बूटी पर कब्जा कर रखा है, जो सरकार के ही समर्थक बाबा हैं, तो उसमें कितने किसानों का हक मार के और सारा कुछ हो रहा है, ये भी गौर करने की बात है, ये समझने की बात है। या फिर वो छोटे काश्तकार जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि सदन में भी कृषि मंत्री ने जो राधामोहन सिंह ने बयान दिया था पिछले सत्र में, और बड़ा ही शर्मनाक बयान था कि पुंसत्व नहीं होने की वजह से जो नपुंसक हो जाते हैं किसान, वो वही आत्महत्या कर लेते हैं। तो सुन के बड़ा दुख होता है कि कितनी असंवेदनशील ये सरकार है कि उस जड़ तक नहीं जाती है कि भाई क्या वजह है। हालांकि वो तमाम वजह जो रिसर्च करने वाली संस्थाएं, जो कृषि से जुड़ी हुई संस्थाएं, वो तमाम वजह लेके आती हैं कि ये वजह है, गिनाती हैं, सरकार के पास रिपोर्ट भी नीति आयोग में जाती है, लेकिन उसके जो अपनी खाल बचानी है जैसे भी, तो आप कुछ भी बयान दे दो कि तो किसान इस वजह से नपुंसक हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, या मतलब यानी कि सरकार अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश करती है, यही वजह रही कि वहां पर इस तरह की बयानबाजी सामने आ जाती है। ठीक है, हरिवंश जी ने जो कहा, मैं लौटूंगा, मैं आऊंगा आपके पास में। हरिवंश लुधियाना से दर्शक हमारे साथ हैं। हरिवंश, सवाल पूछे आप अपना। जी सवाल पूछिए आप। जी सवाल पूछे, सवाल पूछे आप। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ किसानों की हालत कब सुधरेगी, उनको फसलों के भाव 1992 में जिसका नरमे की फसल का भाव 3,500 रुपए है, तो आज 25 साल के बाद उसका 4,3,500 रुपए है, तो कैसे सुधरेगी उनकी हालत? ठीक है, ठीक है। अशोक गोयल जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें कि किसानों की आवाज है कि हालांकि ये हमेशा जिक्र करती आ रही है सरकार की हालत हम सुधारेंगे, लेकिन कब? अशोक गोयल साहब। हाँ जी, सरकार जो है पूरी तरीके से किसान के लिए समर्पित है, और जो अभी अरुण जेटली जी की बात जो मेरे दोस्त ने कही वो भी मैं सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा कि भाई यहाँ का देश का जो पूंजीपति और कॉरपोरेट जगत का लोग हैं, ये लोग भी किसान की हालत सुधारने के लिए गवर्नमेंट के साथ में सहयोग करें और कहीं ना कहीं किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके और किसान जो है इस तरीके से लाभ के अंदर जा सके, उसकी चिंता उन्होंने की। पहली एक सरकार है जो किसान के लिए निरंतर चिंता कर रही है। अच्छा, और जहाँ तक मैं सवाल को तो सुन नहीं पाया, अगर वो सवाल दोहरा देंगे तो मैं कुछ बोलूँ।
उन्होंने कहा है कि किसानों की हालात कब सुधरेगी, क्योंकि जो फसल है उसका जो मूल्य है वो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किसान की हालात सुधरनी चाहिए और जो पिछले दिनों काम नहीं हुआ उसे धीरे तेजी से और भाजपा सरकार को भी हमारी सरकार को भी तेजी से बढ़ाना होगा, इसमें और ज्यादा तेजी लानी होगी हाँ मैं ये सहमत हूँ इस बात से कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए सब कुछ भी लुटाया जाए देश में तो उसकी हिंता ठीक है, अगर किसान और कहीं उभरेगा तो भारत उभरेगा। ठीक है दुष्यंत नागरम, लौटूंगा आपके पास में एक दर्शक और चाहूंगा मैं उसका सवाल का जवाब भी आप दें। जी आपना सवाल पूछे। चलिए लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया। दुष्यंत नागर अपनी बात। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा जो हमारे दर्शक ने पूछा कि किसानों के हालात कब सुधरेंगे, जब तक देश की नीति का निर्माता देश का प्रधानमंत्री कोई किसान का बेटा नहीं बनेगा तब तक किसान के हालात सुधरने वाले नहीं है। दूसरे जैसे हमारे आदरणीय गोयल साहब ने कहा है, मैं इनको अभी याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जब धान का मूल्य खुला, जब धान कट के खेत में तैयार हुआ तो 1300 रुपए में धान बिक रहा था। जैसे जैसे धान किसान से दूर होता गया उसी प्रकार उसका रेट बढ़ते बढ़ते 2700 तक पहुंच गया। कॉर्पोरेट घुस गया उसमें सारा कॉर्पोरेट घुस गया, कॉर्पोरेट ने उसकी स्टॉक कर लिया और अब आप देख सकते हैं, आप हम सभी लोग चावल का उपयोग करते हैं 80 से 90 रुपए किलो में अच्छा चावल से कम में मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो कॉर्पोरेट की तरक्की तो निरंतर हो रही है किसान के द्वारा, लाभ तो मिल रहा है लेकिन कॉर्पोरेट को मिल रहा है। दूसरा मैं गेहूं के विषय में बताना चाहता हूं, पिछली बार गेहूं की फसल बुरी तरह से बर्बाद हुई, ओलावृष्टि हुई, बिल्कुल खैर चलिए वो किसान की किस्मत समझ के अपना बैठ गया, किसान ने फिर से गेहूं लगाया। आज 1450 रुपए का भाव है गेहूं का, 50 रुपए की वृद्धि की, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि लागत के ऊपर 50% मुनाफे के साथ में जो स्वामी नाथन रिपोर्ट की सिफारिश थी उसको हम लागू करेंगे, वो क्यों नहीं हुई। इन दो ये दो मुख्य मुद्दे हैं। किसान के हालात सुधारने के लिए कोई ट्रेनिंग विदेश से नहीं आनी, सिर्फ उसकी लागत के ऊपर उचित मुनाफे का आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दीजिए, किसान का उद्धार हो जाएगा। दूसरा मैं कांग्रेस के हमारे साथी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया उससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कहा जोत छोटी हो गई है, किसान ये हो गया वो हो गया, ये सब फर्जी बातें हैं। इजराइल में 1000 गज के अंदर किसान ग्रीन हाउस तैयार करके कितनी सब्जी पैदा कर रहा है, आप उस मॉडल को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते। देश में 1952 से 1970 तक जो 4 पंचवर्षीय योजना बनी उसमें धन का आवंटन किसान की तरफ किया गया, किसान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, अमूलचूल परिवर्तन उसी 20 वर्ष के अंदर देश के किसान का हुआ। उसके बाद आप निरंतर देख लीजिए किसान सुकुड़ता जा रहा है, किसान भिजता जा रहा है। अभी पिछली सरकार जब ये सरकार ने अपना पदभार ग्रहण किया वित्त मंत्री का क्या, और पूरे में कॉर्पोरेट के लोग जुड़े हुए लोगों का जो उनके सलाहकार थे जो सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जो पैसे का फ्लो है उसे रोक दो, महंगाई रुक जाएगी। महंगाई तो रुक गई लेकिन किसान तो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह की जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनमें परिवर्तन उसमें करने परिवर्तन लाना होगा। वही एक वजह है कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसानों के हालात भी नहीं सुधरेंगे। यहां पर गोयल साहब मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के पास में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आज हम बात कर रहे हैं कैसे मुद्दे पर जिसको लेकर हर किसी के जहन में सवाल खड़े रहते हैं। हर कोई चाहता है कि देश का किसान खुशहाल रहे क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता भी है, लेकिन आज के वक्त में हमारी सरकारें बहुत कोशिशें करती हैं लेकिन उसके बावजूद भी देश का किसान आज भी एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो सोचता है कि आखिरकार जो फसल मैंने लगाई है वो सही सलामत मुझे वापस आएगी भी या नहीं। चलिए इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक दर्शक फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बलराज बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि हम किसानों के पास ना तो कोई पानी की वो है प्रबंध है, ना तो हमें नहर का पानी मिलता है, ना ही हमें अच्छे बीज खाद मिलते हैं। ठीक है अगर कपास की बिजाई करेंगे तो उसमें सफेद मक्खी आ जाएगी। ठीक है इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक पांडे हैं आगरा से। दीपक अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछे। हेलो जी दीपक अपना सवाल पूछिए आप। हेलो
दीपक, सबसे पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम एकदम से बंद कर दें, उससे अलग होकर आप बात करें। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो किसानों का बीमा योजना आई है, ये क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा गांव तक देने के लिए तैयारी हो रही है बीजेपी की? आपको भ्रष्टाचार से क्या लेना देना? आप अपनी फसल का नुकसान की भरपाई करिए ना। आपने और हमने देश में इस भ्रष्टाचार को निपटाने की हमने जिम्मेवारी थोड़ी ले रखी है भाई। नहीं नहीं, जिम्मेवारी है, मेरा मतलब ये नहीं है। उनका जो कहना है उसको मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप इस समय ये बात चिंता कर रहे हैं कि किसान बेचारे ने अपनी फसल बोई और उसके बाद में जिस समय उसको जो है उककर कुछ कमाने का समय आया, वो नष्ट हो गई, ओलावृष्टि आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया है, उसके लिए बजट में प्रावधान दिया गया है कि भाई कहीं ना कहीं किसान को सुरक्षा मिल सके, मानसिक रूप से समझ सके, कल को घर को आराम से सो सके कि अगर कोई ऐसा भगवान ने कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा लाई तो उसकी भरपाई जो है बीमे के माध्यम से उसकी हो जाएगी। तो किसान के लिए ये है, इसमें भ्रष्टाचार की और उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। बस जब किसी योजना आई है तो निश्चित रूप से जहां जहां नुकसान होगा बीमा कंपनी उसको पूरा करेगी। लेकिन सर, आपके स्टूडियो से 30 किलोमीटर की दूरी पे अभी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ, 30-40% गेहूं खत्म हो गया। क्या वो आपकी फसल बीमा योजना उसको कवर करेगी? नहीं करेगी। फसल बीमा योजना नहीं अभी, करेगी। अभी जैसे बजट में 90% जब तक नुकसान नहीं होगा, जब तक मरीज वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। ओलावृष्टि के मामले में खेत टू खेत कवरेज किया गया है। परसेंटेज कितना? 90। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, परसेंटेज तो 90 है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर और भी कई सवाल जोड़ूंगा। चोट लगने पे, बुखार होने पे, आपके लिए अशोक गोयल की मोटी बीमारी पे बीमा नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर पे जाएगा तो बीमा मिलेगा। ठीक है, इस यहाँ पर एक और सवाल मैं जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले विजेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर है। विजेंद्र, अपने सवाल पूछे। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो हमारे किसान है वो डबल ब्याज भुगते हैं साल में, एक बार तो साल में 6 महीने पे ब्याज लगता है गेहूँ की फसल के बाद, उस पर ब्याज का हिसाब होता है। फिर उसके बाद जब धान की फसल आती है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो इधर से हमारे पे आरती भी हमारे को मार रहे हैं, साल में 2 बार ब्याज लेते हैं, उधर हमारे को सरकार भी मार रही है। तो इसका मुख्य कारण है कि जिम्मेदार फांसी तो खाएंगे, गोली तो खाएंगे, और क्या करेंगे? गोल से भी दर्द है किसानों का, जरा समझिए। लेकिन ब्याज पे ब्याज वाली बात मेरी, इन्होंने ये कहा है कि एक फसल में हम अगर कर्जा लेते हैं सरकार से गेहूं की फसल के लिए, उसके बाद अगर उसको चुकता नहीं होता है तो 6 महीने का जो ब्याज होता है उसको ऊपर भी ब्याज लगता है, कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। नहीं, विषय विचारणीय है। मैं समझता हूँ कि जो है एक साल के अंदर जैसे व्यवस्था होती है, मान लिया 6% या 8% जो भी गवर्नमेंट का ब्याज है, हाँ। उसको एक साल के अंदर ही उसको दोबारा होगा, बीच में ब्याज। यहाँ पर गोयल साहब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहूंगा मैं। सबसे बड़ी वजह है किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? उसकी वजह है कि उनके ऊपर कर्ज हो जाता है, कर्ज को चुका नहीं पाते हैं, उसके बोझ के तले दब जाते हैं, उस वजह से मजबूरन वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारी इसको सबसे बड़ी वजह ये है, ये बहुत सारे आंकड़े निकल के आए कि सिर्फ कर्ज की वजह से। बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी चली आ रही हैं लंबे समय से कि सूदखोरों ने, कहना चाहूंगा, सूदखोरों ने 5 रुपए सैकड़ा 7 रुपए सैकड़ा में किसान की जरूरत के आधार पर उसकी जरूरत का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं लूटने का काम किया है। किसान जो है अपनी एक जमीन को कहीं ना कहीं किसी उसको सूदखोर को रख देता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं चक्रवर्ती सर मजबूरी क्यों आती है उसके सामने? सरकार उसके लिए क्यों नहीं पैसा नहीं, सरकार तो सरकार कर रही है ना, सरकार खाते खुलवा के किसान को कह रही है कि बैंक से लेन देन करो। अच्छा। सरकार जो है अपने आने को योजनाएं दे के किसानों के लिए भी कि सस्ते दर पर आप जो है कर्ज लो तो सीधा बैंक से लो, मतलब किसान सरकार जो चिंता जिस स्तर तक कर सकती है। लेकिन अगर किसान बाजार में जाता है और अपने पुराने कहीं सुनार या सर्राफ के यहाँ जाके अगर वो कहीं अपनी चीज को रखी आता है, इसमें सरकार कैसे उसको रोके? तो इसमें तो हमें हमारे किसान भाइयों को भी अपने हकों के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हम अपने खर्चों को सीमित करें, हम कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दे सके उसकी चिंता करें और उसके लिए लोन लें। हर तरीके से कहीं ना कहीं जैसे किसान की जिंदगी में सुधार आ सकता है, सरकार उसके लिए चिंतित है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वास्तव में ये सरकार जो आई है ये सरकार कहने में विश्वास नहीं रखती, करने में विश्वास रखती है। दुगने करने की बात कही है, उससे बदलाव आएगा, आप ये कहना चाहते हैं? बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, बदलाव की दिशा में हम चल पड़े हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। पुष्परंजन, आप सवाल पूरे। गोयल साहब, 2-3 चीजें पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, मेरा अपना खुद का आंकड़ा नहीं है। दो सरकारों की
बीजेपी की सरकार 2004 में भी थी, हाईएस्ट सुसाइडल केस इस देश में किसानों का हुआ था 18,241। 2014 में तब भी आपकी सरकार ही रही है, 5,650 किसानों ने आत्महत्या की, गुजरात भी उसमें शामिल है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और फार्मर्स सोसाइटी इन इंडिया करके जो सारा रिसर्च आया और नीति आयोग में जो कॉपी दी गई है, उसके तीन प्रमुख कारण बताए गए। एक तो कैश क्रॉप, कॉफी, कॉटन, गन्ना जैसे कैश क्रॉप जो डैमेज होते हैं, इस वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। एक हेक्टेयर से कम रकबा वाले जो किसान हैं वो ज़्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं। जो कर्ज से लदे हुए किसान हैं और जिन अल्कोहल भी उसमें शामिल है कि जो अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, पर्यावरण की वजह से भी उत्पादकता उनकी कम होती है, ये तमाम परिवार का बोझ। फिर वो छोटे छोटे जो कर्जदार हैं गाँव में, जो साहूकार बैठे हुए हैं, उस साहूकार व्यवस्था को कोई भी सरकार, मैं सिर्फ आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार जो गाँव में साहूकार व्यवस्था उसको तोड़ने में विफल रही है। तो आप एक किसान बैंक गाँव में, उसे जैसे ग्रामीण बैंक है उसे किसान बैंक के रूप में परिवर्तित कीजिए। किसानों को कम से कम विजय माल्या जैसे, जिस तरह से दोनों हाथ से पैसे लुटाए गए विजय माल्या जैसे लोगों के लिए, किसान को कम से कम उसके अपने खेत गिरवी नहीं रख के उसको पैसे मिले, कम से कम किसानी कर सके, खेती कर सके छोटा किसान। दूसरा, एक बड़ा माफिया भी है जो बड़े काश्तकार हैं या कॉरपोरेट वाले हैं, वो किसान बन जाते हैं, एक हल नहीं चला सकते खेत में, उनको फसल की पहचान नहीं होती है, वो किसान के नाम पर वो इनकम टैक्स मार रहे हैं। इस देश में काले धन को सफेद करने का भी एक जरिया हो गया है किसान। ये बड़ा सवाल संसद में उठा भी था, ये बड़ा मुद्दा, ये सवाल भी उठा था, उसके तमाम रिपोर्ट्स भी आए थे। और सरकार इस पे चुप। ठीक है अशोक गोयल, पहले आप, इसके बाद दुष्यंत कुमार शर्मा आपके पास आऊंगा, आपसे भी जवाब चाहिएगा इस पे। सर मैं, मुझे भी कुछ इसमें बोलूंगा। हां मैं बोलूंगा, पहले अशोक गोयल फिर दुष्यंत शर्मा, उसके बाद नागर सभा आपका। मेरा ये कहना है कि जो भाई साहब ने बात उठाई है मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने पहले ही कहा कि सूदखोरों के द्वारा किसान की स्थिति का दुरुपयोग किया गया है और अनुचित लाभ कमाया गया है। सरकार जागरूकता के आधार पर कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाओं को धीरे 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 किसान को सही रास्ते पर लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। किसान की फसल के बीमा की योजना के बाद में अनेकों नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। मेरी कल भी बड़े किसान नेता से चर्चा हो रही थी, मैं किसान मंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी के पास था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि सरकार उसमें चिंता कर रही, धीरे धीरे उसका असर आएगा। लंबे समय से अभी विजय माल्या जी का जिक्र आया, उसको पैसा किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया, किन लोगों ने दिया, किस समय में दिया गया, ये सारी चीज़ें देखने की है कि जो चीज डूब चुकी है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें कितना अंतर है, वो मैं बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ऊपर के लेवल पे जो भ्रष्टाचार है हुआ है, किस तरीके से 50 लाख रुपए में, 50 करोड़ रुपए में किसान की जमीन ले ली गई, 50 लाख रुपए में 300 करोड़ रुपए की बेची गई हरियाणा में, जो हुआ है ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सब पे चिंतन करना पड़ेगा। किसान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गाँव तक बढ़े, किसान को रोजगार मिले, रोजगार के क्षेत्र में नई बात आए, किसानों के युवा आगे बढ़े और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले। सबसे बड़ी बात ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है इसका लागू हो और हमारी सबकी कोशिश ये है कि सरकार इस मसले में जल्द से जल्द निर्णय लेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है दुष्यंत शर्मा, देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, मैं पिछले बार वाली बात को थोड़ी सी रिपीट करूंगा कि इस बार के बजट में जो थोड़ा डिफरेंस है वो ये है। वैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि 2013-2014 जो हमारा टाइम था, UPA 2 का टाइम था, ये उसके बराबर भी बजट नहीं है जो एलोकेट किया है। अभी 40,000 करोड़ रुपीज़ किसान की जो हालत है उसके सुधार के लिए दिया है कि इससे उसकी कायाकल्प होगी। मैंने आपको वो डाटाज़ भी दिए थे कि किसान अगर लगाया जाए तो करीब 73% किसान देश में है और उसके हिसाब से करीब 98 करोड़ लोग उस पर बेस्ड हैं, तो 2,370 रुपया पर हेड पड़ता है, पर किसान पड़ता है। तो एक तो सरकार की इसमें थोड़ा नीति को क्लियर कर दे सरकार कि भाई वो कौन सा किसान है, सीमांत किसान है, मध्यम किसान है, मध्यम किसान की क्या डेफिनेशन है या बड़ा किसान है, और फिर उसमें जो के पर बीघा है या पर एकर है, जैसे कि पुष्प रंजन जी ने कहा कि जो एक हेक्टेयर वाला है वो भी छोटा किसान है और उस वो लोग भी उनकी संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा, जो एक हेक्टेयर से कम खेती करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा, उनकी संख्या। मैंने वही प्रश्न पिछले बार भी उठाया था जिसमें हमारे मित्र कह रहे थे फर्जी हैं और ये गलत बात कर रहे हैं, फर्जी बात वो कह रहे थे हमारे फर्जी ने। ठीक है हाँ, उनसे जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे एक मिनट आप प्लीज, मैं आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप प्रबुद्ध हैं, कुछ कह रहे हैं तो कुछ कह रहे होंगे, आंकड़े भी तो ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जो सही हो। 125 करोड़ के देश में आप 98,000 करोड़
किसान बता रहे हैं, किसान है, हजार करोड़ नहीं बता रहे, मैं 98 करोड़ बता रहा, 73%, हाँ, 98 करोड़ बता रहे हैं, 73% इतना ही होता है 130 करोड़ का। अब वो 73% का आपका आंकड़ा मेरे पास में कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं। चलिए चलिए, हमारा आंकड़ा ये नहीं, ठीक है, किसानों के लिए हम बात कर रहे हैं, किसानों की सरकार की बात है, सरकार की बात में अगर इतना पैसा एलोकेट हुआ है तो वो पैसा किस तरह, वो 2370 रुपए यहाँ पर दुष्यंत शर्मा जी, दुष्यंत शर्मा जी, आपकी सरकार के दौरान सर ज्यादा बजट अलॉट हुआ था, लेकिन उस दौरान भी किसानों की हालत क्यों नहीं सुधर पाई? आपको मैं आपसे उस बजट अलॉट होना अलग बात है, बजट किसानों तक पहुंचना अलग बात है, उस दौरान हरित क्रांति भी हुई थी, खाने वाले जो अलग बात है। सुनिए, बजट आया राज्य सरकार तक पहुंचा, राज्य सरकार में बैठे कहीं ना कहीं पहुंचा नहीं, नीचे तक पहुंचा नहीं, किसान नहीं, अभी पूरी कोशिश हो रही है, भाई साहब इनके बोलिए ना, इनके ट्रंप को मौका दिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस टाइम हरित क्रांति भी हुई, किसानों में अपलिफ्टमेंट भी हुआ, किसानों का विकास भी हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना, दुष्यंत शर्मा जी, हरित क्रांति किस रूप में देखने को मिली है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक को जरा मैं ले लेता हूँ, दीपक दिल्ली से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछे आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ गोयल जी से कि कौन कौन सी कंपनियां जो है फसल बीमा कर रही हैं, इनको पता है? किसानों को तो पता नहीं है। गोयल साहब, अटल पेंशन बीमा योजना अभी लागू हुई है पिछले दिनों ही, और जितनी सरकारी कंपनियां हैं सबकी सब उसे लागू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच स्वाभाविक है, लेकिन इसके बारे में जब बीमा कंपनियों से जानकारी लेंगे तो पता लग जाएगा। अटल पेंशन बीमा जो आई है वास्तव में किसान के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए आई है और बहुत लाभकारी है। ठीक है, दुष्यंत नागर, दुष्यंत नागर, फसल बीमा योजना दुष्यंत नागर अभी इसी बजट से ही आई है। ठीक है, ठीक है, दुष्यंत नागर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दुष्यंत कुमार शर्मा ने आपके ऊपर जो सवाल उठाए थे आपने, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, दूसरा ये कि हरित क्रांति का जो जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिली थी। अगर मेरे किसी शब्द से शर्मा जी को आघात पहुंचा तो मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन मैं अपने आंकड़ों पर कायम हूं। क्षेत्रफल कम होना किसान की बर्बादी का वजह नहीं है। जब इसराइल का किसान 1 एकड़ में 1 करोड़ रुपए का काम कर सकता है 1 साल के अंदर, तो हिंदुस्तान का क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पास उन्नत तकनीकी है, अच्छे बीज हैं, ग्लोबल विलेज है, आज कोई कोई नहीं है, ये किसान को दबा के रखने की साजिश है। शोध संस्थान है, आपके शोध संस्थानों को पैसा तो मिलता नहीं है, कृषि के शोध, आपके शोध संस्थान को पैसा नहीं मिलता, चैनल से बैठ के दुनिया को आप गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि आपको यहाँ लिबर्टी है कुछ भी कहने की? आप कैसे कह सकते हैं कि देश में कृषि के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं? बताओ कौन आ रही हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कितनी कितनी कितने विश्वविद्यालय देश में है, जो सबसे थोड़ी जमीन जिनके पास है उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सबसे बड़ी समस्या है। क्या वो 5 बीघे के लिए ट्रैक्टर भी लेगा? क्या वो उसके लिए ट्यूबवेल भी लगाएगा? क्या वो उसके लिए खाद का इंजाम भी करेगा? और फिर वो पैसे का इंजाम, और पूरे साल उसमें वो बैठा रहेगा, छोटे ट्रैक्टर नहीं होते क्या? फसल बोलेगा, छोटे ट्रैक्टर नहीं होते क्या? अगर नागर शर्मा जी आप बात क्या कर रहे हैं, अगर नागर साहब कोई सम्मान के रूप में आपकी बात को सुन रहा है, नहीं नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सही बोला था, आप डाटा दे रहे हैं, आपके गलत नहीं, आपके पास साहब आप गलत बात कर रहे हैं, मैं चैनल पे गलत बात, देश में सबसे ज्यादा है और उसी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और समस्या भी उसी के सामने सबसे ज्यादा है। आपके जैसे मान नेता होंगे तो इस कांग्रेस का यही हाल होना है जो हो गया। मैं आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट लूंगा, वो तो किसी को मेरा सर्टिफिकेट चाहिए आपका। दुष्यंत शर्मा, दुष्यंत सागर जी, दुष्यंत शर्मा चुनाव सागर जी, दुष्यंत नागर के सवालों को जवाब देने के लिए नहीं है। दुष्यंत जी, दुष्यंत शर्मा चाहूंगा, दुष्यंत शर्मा, आपको दबाव, मुझे आप बताइए, यहाँ पर एक एक यहाँ पर सबसे पहले दर्शकों का एक सवाल हम ले लेते हैं। हरियाणा से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, आपने सवाल पूछा भैया,
चलिए लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक दूसरे को प्रमाण पत्र देने का काम ना करें तो बेहतर ना हो थोड़ा यहाँ पर। हाँ पुष्परंजन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए किसानों की जो स्थिति है उस पर तो हम लोग बहस कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति देश से बाहर ये छवि बनी हुई है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, मतलब कृषि उत्पादों के विश्व में 7वां स्थान हमारा ये एक, और 2013 में 39.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट हुआ है। हाँ। यानी वहाँ विदेश में तो हमारी हालत बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ। कि आपने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, सब किया है, उसके ठीक उल्टी तस्वीर अपने देश में क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न है कि यहाँ किसानों की हालत क्यों खराब है। और बड़े किसान जो हैं उनकी हालत में कोई ऐसा नहीं कि वो आत्महत्या करते हों या उनकी हालत में, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि किसानी करने में जो लेबर चाहिए वो उसमें बहुत कमी आ गई, वो शहर की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। इस पे चिंता करनी चाहिए कि क्यों कृषि के क्षेत्र में जो लेबर आने चाहिए वो क्यों धीरे धीरे घटते चले, वहां से पलायन हो रहा शहरों की तरफ। पुष्परंजन जी की बात से सहमत हूँ मैं, और घाटे का सौदा छोटे किसानों के लिए बन गया है ये बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से, और इसको उबारने के लिए, इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार को भी समय समय पर सोचकर और एक योजनाबद्ध ढंग से नीतियां लागू करनी होंगी और लानी होंगी और उनको लागू भी करना होगा, ईमानदारी तक पहुंचे। ठीक है। सबसे बड़ा संकट ये हुआ है कि घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन वो बीच में ही मलाई सब उतार ली गई, गांव तक किसान तक कुछ नहीं पहुंचा। हाँ। कारण ये हुआ है, और ये स्थिति में अब परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। अभी देखिए विकास की स्थिति के बारे में बार 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 आ रही है बात, अभी हर चीज पारदर्शी है, हर ठेका भी टोटल का टोटल ऑनलाइन दिया जा रहा है। एक ऐसा सर, आप यहाँ सरकार के ठेके पे बताने आए हो? नहीं नहीं, मैं किसान पे आ रहा हूँ, मैं बात वही है, मेरा मतलब वही है बात को, किसानों के लिए बात आ रही है कि किसानों तक जो योजनाएं सरकारों ने कहीं अगर लागू भी की गई है लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंची है। किसान की जमीन को कहीं ना कहीं सस्ते में, बड़ा उदाहरण, सस्ते में लूट के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। मुझे मालूम है एक योजना ऐसी आई थी यहाँ 8.5 रुपए एकड़ में, जिन्हें कितने रुपए एकड़ में, अभी रिलायंस की योजना आई थी बाद में, हरियाणा में आई थी, कोर्ट नहीं यही आई थी दादरी में, कोर्ट से रद्द हो गई वो। किस तरीके से जमीन जो ले गए उसमें कितना पैसा सरकार का लगा दिया गया। ठीक है। मेरा ये मानना है कि किसान देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण निधि है, उसको पूरा सम्मान भी, और उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसके आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार जितना करे उतना कम है, किसान की मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है, चाहे भाई साहब कहे कोई ठीक भी है। अशोक गोयल जी एक और सवाल, चूंकि वक्त की कमी है, वक्त की भी, मैं आपसे एक और अहम सवाल जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के अंदर किसानों की जो आमदनी है उसको डबल कर दिया जाएगा। अगर हम मान लें कि अगर मान लीजिए बिल्कुल आप खरे उतरते हैं अपने वादे पर, हालांकि कोई सरकार अब तक अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस पर खरे उतर जाते हैं, तो आज के वक्त में जो रिसर्च आया है, जो आंकड़े हैं, वो ये है कि एक मध्यम किसान की जो सालाना आय है वो लगभग 20,000 रुपए, अगर महीने उसको डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 1666 या 1665 रुपए के आसपास महीने की पड़ेगी। तो क्या यह कहा जाएगी 5 साल में किसान की आमदनी लगभग 3300 रुपए हो जाएगी, या फिर मैं यह कहूं कि 3326 रुपए हो जाएगी? तो क्या आपको मानते हो कि वाकई ही 5 साल के बाद 3326 रुपए की आमदनी महीने की किसान के लिए काफी है? पाटिल जी, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा आप ही के सवाल में जी, कि 5 साल का वायदा क्यों किया गया है, मतलब यानी आप 2022 तक ले आना चाहते हैं इस वायदे को, मतलब इस 5 साल में किस तरह की चालाकी छिपी हुई है इस तरह का बयान में? आपका बजट तो 1 साल का है, तो वादा 5 साल का भी। सर एक एक करके सवाल लेते हैं, सर एक एक करके बात हो रही है। उनका सवाल ये है कि मोदी जी ने ऐसा कहा है कि किसान की आबादी को 5 वर्ष में दुगना करने का लक्ष्य हमने रखा है, इसका मतलब मोदी जी का या भाजपा का ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य सरकार का है, भारत सरकार का है। सर बिल्कुल, सरकार आने वाली जो भी होगी वो उसको आगे बढ़ाएगी। मैं अशोक गोयल जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए पूरा कर दिया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या 5 साल के बाद बढ़ती महंगाई को देखकर 3300 रुपए की महीने की आमदनी किसान के लिए काफी रहेगी? लेकिन जो ये आंकड़ा है वास्तव में चिंताजनक है, जो अभी बताया इस आंकड़े के लिए अगर 20,000 रुपया कुल साल भर में किसान कमा पा रहा है तो ये वास्तव में चिंताजनक है। इसके लिए कहीं ना कहीं पिछली परिस्थिति रही है, किसान अब तक क्यों उभर के नहीं आया है, क्यों नहीं आया, तो उसके लिए जिम्मेवार वो लोग हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि 100% FDI इसमें लाकर कहीं ना कहीं किसान ऐसी फसलें उगा सकें जो उसके लिए ज्यादा लाभकारी हो, और कहीं ना कहीं विदेशी टेक्निक भी
और अच्छे बीज की बात भी, सब चीजें एक लागू हो सके, किसान को कैसे एक बूस्ट अप मिल सके, ठीक है, सारी चिंता ठीक है। दुष्यंत रागड़ साहब, आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते, क्या वाकई ही किसान इस मुश्किल से कभी निकल पाएगा, या फिर जो सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं इससे किसान कभी खुश रह पाएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी को कुछ पता तो है नहीं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक जुमला दे दिया सीमांत किसान, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 67 साल देश में राज किया, सीमांत किसान का मतलब बताएं क्या परिभाषा है? सीमांत, जहां सीमा अंत होती है वहां का किसान है क्या? ये शब्द क्या है? मैं दो चीजें कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के खत्म होते होते, दो चीजें दे दीजिए, या तो किसान की फसल की उत्पाद का उचित मूल्य, जो मंडी में और आड़ती लोग उसको लूटते हैं, उत्पादक मुख्य उपभोक्ता तक पहुंचने का जो बीच का गैप है, या तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए वो उसको मिल जाए। एक मिनट सुन जाइए आप, या तो वो व्यवस्था कर दीजिए, और अगर देश की सरकार को ये लगता है कि नहीं आड़ती मंडी बीच के मुनाफाखोर, इनको भी जीवन जीने का अधिकार है, इनको भी किसान से कमाना है, तो फिर किसान के नुकसान की भरपाई, उसको सब्सिडी, उसका जो नुकसान हो, जो उसके ऊपर कर्ज है, जो उसके अकाउंट एनपीए हुए पड़े, कर्जा माफ कर दीजिए, दोनों में से एक काम करना होगा, नहीं तो किसान मरता रहेगा। किसान की गुनाह यह नहीं है कि किसान के पास में 5 बीघा खेत है, किसान के पास में 10 बीघा खेत है, यह किसान तय नहीं करता, यह परिस्थितियों ने तय किया है। अगर उसके पास छोटा खेत है तो हमें उसको उन्नत तकनीकी मुहैया करानी होगी, उसके खेत तक पानी भेजना होगा। मैं अपनी बात पे अडिग हूं, इसको आप करके देखिए, किसान का जीवन परिवर्तन हो जाएगा निश्चित रूप से। मेरी सरकार कर रही है सिंचाई के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया, आपकी सरकार बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही, आपकी सरकार किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं दिला रही। सबसे बड़े दुख की बात यह है, आप ये लगाइए 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, कपास का मूल्य 5,000 था, आपकी सरकार ने क्या दिया? धान का मूल्य 3,500 था, आपकी सरकार ने क्या दिया? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, चाहे पार्टी अच्छी थी या बुरी थी या पार्टी क्या है वो आप लोग जाने, राजनीतिक दल के लोग, लेकिन जो सच्चाई है वो अपनी जगह है। मूल्य का जो आधार होता है वो डिमांड सप्लाई होता है, उत्पादन और सर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है। लेकिन मेरा इस देश में एक नारा लगा था जय जवान जय किसान, जवानों का तो डाटा बैंक है कि कितने जवान रिटायर हुए, कहां कहां रह रहे हैं पूरे देश में, उनको पेंशन मिलता है, सब चीजें, किसानों का कोई डाटा बैंक नहीं इस देश में। होना चाहिए, होना चाहिए। किसानों का डाटा बैंक जिस दिन इस देश में बन जाएगा, किसान को एक आयोग नहीं है, समझ में आ जाएगा कि महिला आयोग, सुधार संख्या बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016-17 का जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए कई बड़े वादे कर दिए हैं, लेकिन कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ किसान क्या वाकई ही अब चैन की निशांस ले पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.